आज यहाँ पर हम इलेक्शन से रिलेटेड और क्राइम से रिलेटेड और बाकी जो पुलिस की कामगिरी है सबके हिसाब से हम यहाँ पे आज एक क्राइम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें इलेक्शन की क्या पुलिस की तरफ से तैयारियां हैं, किस हिसाब से पुलिस से गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, नॉन अवेलेबल वारंट की जैसे बजौनी है, पासा एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई, उनके बॉन्ड भरवाने की 107, 109, 10 की कार्रवाई, ये सब की समीक्षा इलेक्शन से रिलेटेड और क्राइम से रिलेटेड भी, क्राइम में किस हेड के नीचे क्राइम बढ़ रहा है घट रहा है उसकी सब समीक्षा हम यहाँ कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए काफी खुशी है कि पुलिस की कामगिरी जो काम कर रही है पुलिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है और कड़क रीते काम कर रही है। अब मैंने यहाँ पे 31 जुलाई को ज्वाइन किया था, अभी मैं देख रहा था तो मेरे समय में 597 लोगों की 597 लोगों की हमने अरेस्ट करके पासा में उनको भेजा है। पुलिस की कामगिरी से अभी जैसे 3 महीने का हम समीक्षा कर रहे हैं कि शुरू के इस साल के 3 महीने और 2023 के 3 महीने में क्राइम का क्या पैटर्न रहा है, तो मैं देख रहा था कि इसमें खून में जैसे 46% की कमी हुई है, 46.8%, इसमें लास्ट टाइम 32 मर्डर के ऑफेंस थे इसी 3 महीने में, अभी 17 है। खून की कोशिश में भी कमी है, लूट में जैसे 28% कमी है, लास्ट टाइम ये 39 खून लूट थी, इस बार 28 है। हाउस ब्रेकिंग जो है रात में जो घरों में जो चोरियां होती हैं उसमें 14.2% कम हुई है। इसके अलावा चोरी जो है वो भी 26.3% कम है, इस बार 1044 हुई है, लास्ट ईयर 1418 थी। मोबाइल चोरियों में कमी है, सभी में इफेक्टिवली हम देखें तो काफी क्राइम में कम ही हुई है। कुल जो हम मेन क्राइम बोलते हैं 1 to 5 का जो क्राइम है उसमें 3 महीने में 22.4% का कमी आई है। इस बार ये 2525 क्राइम फर्स्ट पार्ट का जो 1 to 5 का हुआ है, लास्ट ईयर ये 3256 था। तो इसमें भी कामगिरी पुलिस जो इफेक्टिव पुलिस जो गुनहगारों को डर है, गुनहगार जो पुलिस नाइट में भी इफेक्टिवली नाइट राउंड में कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उससे भी काफी क्राइम कम होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने एक स्टार्ट किया था कि जो ड्रिंक ड्राइव करता है, जो दारू पी के गाड़ी चलाता है, उसको हमने प्रोत्साहन के रूप में पुलिस वालों को इनाम के जो ऐलान किया था उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिला है। इसमें लास्ट टाइम 3 महीने में केवल 87 केस थे, 87, इस बार 283 है, ये 225% पिछली बार से ज्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि पुलिस के असर इफेक्टिव पुलिसिंग से क्राइम भी अंडर कंट्रोल है और हमारी इलेक्शन की भी अच्छी तैयारियां हैं। नारोल में भी शी टीम ने एक अच्छा काम किया था, जो उन्होंने एक वृद्धा के वहां पे अकेली रहती थी वो उसके घर जाके उसका 9 बार तो ऑपरेशन कराए और उसका पूरा ध्यान रखा और उसको वृद्ध आश्रम में शिफ्ट किया, अभी वो स्वस्थ है, तो उनको भी हमने अभी यहाँ पे प्रशंसा पत्र दिया है। एकंदरे मैं कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर 31 जुलाई को हमने यहाँ पे पुलिस कमिश्नर तरीके से ज्वाइन किया था और सभी पहलुओं पे जो पुलिस का जो हमने मेन जो काम है उस पर ज्यादा स्ट्रेस दिया है। पुलिस का जैसे मेन काम होता है गुनाखोरी अटकावानू, गुने को शोध उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसको शोधना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, इसके अलावा जो इलीगल एक्टिविटीज है वो भी कंट्रोल में रहेंगी तो गुनाखोरी कम होती है। दारू जुगाड़ है उस पर पुलिस असरकारक रीते कामगिरी कर रही है तो गुनाह अपने आप कम होता है, क्योंकि कोई दारू पी के झगड़ा करता है उस टाइप से भी। तो एकंदरे पुलिस की पूरी कामगिरी मैं कह सकता हूँ कि हमारी यहाँ पे अहमदाबाद पुलिस की टीम जो सभी टीम के तरीके से सारे DCP सभी अधिकारी PI PSI कांस्टेबल सभी बहुत ही जोश से अच्छी तरह काम कर रहे हैं।